ओम शांति, ओम शांति। भगवान भाग्य बनाने की विधि बताता। भाग्य कैसे बनाए आपका? इस शरीर को कभी भी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो क्या करें? तो कुछ उपाय, डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर कोई उपाय बताएगा ना, ये करो, ये खाओ, ये दवाई दो, बीमारी ठीक होंगी। शरीर का डॉक्टर डॉक्टर है, आत्मा को, पतित आत्मा को पावन करता है। तो वो तो एक विधि बताता है, इस शरीर को कभी भी भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की बीमारी न हो, तो आज कुछ करो, आज खेती में ऐसे बीज बोलो जो उगेगा वो आपको सारे कल्प फल मिलेगा। तो ऐसा कौन सा बीज है? हो तब कहा, ये तन आपका नहीं, कल छोड़ देना है। इस तन से, इस शरीर से, इस शरीर को निरोगी काया, बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस शरीर से, इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो, कोई भी सेवा करो, तो एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान ये धरती देंगी। तो आपको कितने जन्म के लिए निरोगी काया चाहिए वो आपके हाथ में है। कितने जन्मों के लिए चाहिए? 21-22 जन्म में बीमारी हो गई तो चलेगा? 84 जन्म है तो आपने कहा 21 जन्म, 22वें जन्म में बीमारी हो तो चलेगा? नहीं। तो कितना जन्मों के लिए चाहिए? तो आपको पूछना पड़ेगा ना अपने आप को, 24 घंटे में आपके पास है, कितना मिनट आपने ईश्वर की सेवा अर्थ लगाया? अपने आप को कुछ नहीं देगा, दवाई भेजेगा नहीं, विधि बताता है, खेती में ये बोलो तो ये मिलेगा। आप कहते भगवान मेरा दर्द ठीक करो, मेरे बीमारी ठीक करो, वो सभी का करे ना, आपका ही क्यों करे? सभी भगवान के बच्चे हैं। तो वो किसी के लिए कुछ नहीं करता है, विधि बताता है। तो ये दवाई ले लो तो ये बीमारी एक दिन, कम से कम 21 जन्म सारे कल्प के लिए आप निरोगी काया वरदान ले सकते हो, वो आपके हाथ में भाग्य। तो आप सोचो कि 24 घंटे आपके पास है, ये तन किसकी सेवा में लग रहा है, पूछ लो। और किसको कहते हो बीमारी ठीक करो? आप इनकी सेवा में लगाओ और इनको, इनके खेती में काम करो और इनको बोलो मुझे पगार दे दो, देगा? नहीं होगा ना। मनुष्य की ये समझ नहीं आ रही है, इसलिए अच्छी तरह समझना कि ये तन किसकी सेवा में लग रहा है। 24 घंटे है। आज देख लो बहन जी सेंटर में, आप कहेंगे ये देवी क्यों बनी, ये लक्ष्मी दुर्गा देवी क्यों बनी? अपने आप नहीं बनी। माता जी ने घर में 2 बच्चों को, 1 पति के लिए खाना बनाया। माताजी ने सवेरे उठ करके उनको भगवान ने 2 हाथ दिया, 4 हाथ तो नहीं दिया। सेंटर में भी बहन जी है, उनको भी भगवान ने 2 हाथ दिया, 4 हाथ तो नहीं दिया। उन्होंने सवेरे से अभी तक 10 बजे तक कितने लोगों को नाश्ता बनाया? आप भी, आपने भी नाश्ता बनाया कितने लोगों के लिए? 2 लोगों, 4 लोगों के लिए। बहन जी ने अपना तन किसके लिए लगाया, कितने लोगों की सेवा में लगाया, उनके तन से कितने लोगों को सुख मिला? तो जो ऐसे कर्म करे तो उनके भी लोग सब सेवा करेंगे ना, उनकी पूजा करेंगे ना, उनको देवी कहेंगे ना, अपने आप तो नहीं। एक का आप पूछ लो, मेरा समय किसके लिए जा रहा है? इसका मतलब संसार छोड़ो नहीं, संसार का कर्म करो। 1 घंटा, आधा घंटा इस यज्ञ की सेवा करो। एक दूसरा, तन से सेवा करेंगे तो तन निरोगी काया होगा।